जी साढ़े सारे खिलाफ रहते इस तरह काम कराते जी सारे सामने कह के गए ने सारा कुछ सारिया गल्ला खोल के गए ने अभी कोई लैगता है नहीं अभी भुखे पालो फिर भुखे वाला होया थोड़ा आखिर वो बोटा ऐसा कोई नहीं है सारे सामने कह गए ने और सारे सामने जो कुछ नतीजा आखिर वो ही उल्टे सुनता ही कोई नहीं हाँ जी देखो भाई देखो भाई संगत का बड़ा ही प्रेम है दुनिया में सच्चा परमार्थ यही है दुनिया सत्संग सुनकर कदर करती है मगर तुम्हें डेरा वालों को कदर नहीं है बोल नाल दे रहने टीट बन जाने हाँ तुम्हारा तो ये हाल है कि जिसकी मैं कदर करता हूँ आप बेकदरी करते हो जा दुश्मनी हमें सेवा करने वाले या भजन करने वाले प्यारे हैं और हमें क्या जरूरत है किसी की जो तन मन लगाकर हमारी सेवा करे चाहे स्त्री हो या पुरुष हमें प्यारा है तुम डेरे में बैठे ही बातें बनाते हो जरा आंखें खोलकर बाहर जाकर देखो तुम्हें भी हमारा पता लगे 1900 को नाम दिया है इस दौरे में और अभी लाहौर अमृतसर वालों को टाइम ही नहीं दिया है महाराज जी कहा करते थे कि रब को पहचानने के मारे रह गई संतों की कदर उनके जाने के पश्चात हुआ करती फिर रोंदे ना पिछों ऐसी कदर नहीं की थी बाबा जी कहा करते थे कि हमारी कमाई के जौहर पीछे पता लगेंगे सो हम भी तुमसे कहते हैं कि पीछे रहोगे अब वह ईर्ष्या नहीं छोड़ते सतगुरु जी ने फरमाया हम बाहर खुश रहते हैं हमें कोई दुख शिकायतें नहीं सुनाता डेरा वालों की तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती बस ओ दीजिए बस साधुओं के लिए मन भजन बैठना था क्यामत समझ दाए मंदे कर्म जद मालिक रोटी देवे दूजे की कम कार कोई ना होवे फिर भजन ना करे मन ताए दा दुश्मन है इनू वेला रखोगे ते तुहाडी गर्दन तोड़ेगा या भजन करो या पोथी पढ़ो या सेवा करो क्या एक सा बिरथा ना जावे या किसे नू नेक उपदेश देओ जेकर कुछ लेना है ता मन नू कदे वेला ना बैठन देवो जे 84 विच जाना है ता मन नू जो मर्जी है करन देवो गुरु ने नाम दिता असी कमाई करके पर्दा खोल लिया और ज्योंदे जी सचखंड पहुंच गए ये साधु का धर्म है ये जेड़े शिकायतां करदे ने जी सानू काम सताउंदा है जब मन नू वेला छड़दे हो ता मन विच इहो जिहे गंदे ख्याल पैदा हुंदे ने तुहाडे नालों तां गृहस्थी चंगे ने जेड़े भी 30-30 साल बाहर रहिंदे ने रुपया कमा के लियाउंदे ने घर बैठ के आराम नाल खांदे ने जायदादां बणाउंदे ने ते भजन करदे ने जिन टाइम मिलता उन कदर नहीं पैंदी इस थी पहले कि मैं सत्संग शुरू करा मैं चाहता हाँ कि मेरे पिछों सत्संग दे बाद हजूर अक्सर बाहर सत्संग वास्ते चले जाए बलकार आ गया कल ही आए कि बाकी भी कल है बाकी भी मैं सत्संग शुरू करा मैं चाहता हाँ कि मेरे पिछों सत्संग दे बाद हजूर अक्सर बाहर सत्संग वास्ते चले जाया करते सन जिन्हों ने जाना है वो तो चले जाएंगे बाकी थोड़े जी ही संगत रह जाएगी उन्हों का ख्याल रखा जाए नहीं तो वो पिछों खुल खेल देने भाई गोकल सिंह वाल इशारा करके क्यों गोकल सिंह तू इंतजाम करेगा गोकल सिंह इधर मैंने दस किसी ने कह सतगुरु बर्फी मंगता
हाँ मक्खन ने दस सी। हाँ हाँ जी नहीं ठीक सी बेचारा। हाँ हाँ नहीं हजूर अलबत्ता पाइए बाबू गुलाब सिंह जी होरी कर लैणगे। हाँ ते पिछों रजिस्टर रखो और हाजिरी दिखाओ। 2 घंटे नहीं ते कम से कम 1 घंटा जरूर बैठन ताकि पता लगे कि केड़े केड़े भजन नहीं करते। बाकी रहा सत्संग वो बाबू गुलाब सिंह जी करनगे और सत्संग विच कोई गल ना करे। अगर किसी का प्रश्न होवे ता सत्संग तो बात कर लवे। बाबू गुलाब सिंह तो सिवा होर कोई सत्संग ना करे। बाबू होरां नूं चाहीदा है नोट करन कि सत्संग विच केड़ा केड़ा आदमी नहीं आउंदा क्योंकि मैनूं पता लगा है कि बहुत सारे आदमी पिछों सत्संग विच नहीं आउंदे। उत्थे रात नूं मजलिस हुंदी ते मसां जी गए सी मिलाए आए ना करन सदन शिकायत कर 100 बहाने चलाकियां दे बगैर गल नहीं। सब नूं आना चाहीदा है मगर जेड़े खास लंगर दे सेवादार हन ते जे कसूर कर लैंदे कदे नहीं कहंदे मैनूं माफी। उल्टा सगा चाहीदा है मगर जेड़े खास लंगर दे सेवादार हन ए पाबंदी उन्हां वास्ते नहीं। ओ या भजन करन या सेवा करन खोलिया विच कोई ना जावे। हां उत्थे लुक जांदे सी बल्कि सत्संग विच बैठे इत्थे जबरदस्ती नहीं। ये प्रेम और प्यार दा मार्ग है। असीं इत्थे परमार्थ कमाउण वास्ते आए हाँ। अगर इत्थे आके भी सुस्त रहे तां परमार्थ किथे। गुरु नानक साहब ने कहा चूहा मरिया पिया कोई नहीं उठा गुरु अंगद साहब चट चके जान के वह सिड़ता हो कि उन्होंने गिलास गारे च पहले बड़े लड़के भी छोटे ने क्या होरू क्या कोई ना गया उन्हें चट छाल मारी गई। हाँ यह है टलदे फिर कम थे था। ये 2-3 तो खास ने जी पंबे चाहे बिठावे भजन से खड्डे भैन देखा कि कर देंगे अडाट पाओगे फिर। हाँ जी गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि सतगुरु सदा ही दयालु हैं। क्या बुरा क्या भला क्या नीच क्या ऊंच बिना जात पात और मजहब के लिहाज किए सबको एक नज़र से देखता है। जैसा जैसा जिसके अंदर भाव या प्रेम होता है वैसा ही उसको फल देता है। बस जैसे करता पढ़ता और ये फल ला जाता अभी तो धक्के खाते ने फिर कई कई जन्म सामने इन्हों ने गुरु नानक साहब चिताया सचवा चिताया सामने ने हूँ गुरु नानक साहब तो चिताया बोलो हूँ तक फिर तक पर महकमा छड़ता नहीं औखा भी मारेगा पर है मन कर नहीं दिंदा मन ही दुश्मन है मन के पिछे लगते हैं सारे तन का पे तो खटदा मन मारना बड़ा औखा। बस मन जाता है तो जाने दे दृढ़ कर शरीर उतरी पड़ी की मान से कैसे चलती है बैठे कम करे छड़े ना मन दे कहे ना लगे ये मन दे पीछे लग दें सब हाँ जी है नहीं सत्संग रखा है मैं डेरे से मिसाल जी सी उत्थे दावड़े कच्चे लंगर से दीवार कटाउनी सी उपर बदल भी सर्दी बड़ी पवे एक आदमी तूफाने का रह गया दूजा उत्थे चले गया तैयारी वास्ते मैंने कहा सवेरे पहुँच
इस बेले खुशी राम होने सारे गए गरीबदास से, उन्होंने कहा उन्होंने ठंड बहुत ही है, लेटा में जाके असं पहले गारा बना रखे, असं आप ही लागे गारा टोनो, वो आप लगना पे रात दे 3 बज गए, कंध कटा के फिर सवेरों गए सुखाला है। जिन्ना जान नूं प्यार करनी हो कुछ नहीं मिलना, जान जान चों कढ़ना पैंदा है। तुहानूं कराउंदे रहे हां सर्दियां दे दिनां च, जे आप लगदे तां दूजा लगदा नहीं, कौन लगदा? बस इत्थे इत्थे देखे इत्थे पुराने नूं पुछ लो, पिंडा पुराने इतने पुराने साहब में पूछ लो, सही सही रात खड़े रहने दिन पर रात तां कम चलिया सी, कुछ सिखाला टलते फिर दिन कम थे। जान प्यारी है, तुम पूछो मुसाई टाइम च मैं जाड़ कढ़ाई एक बहुत तकलीफ आई, मैं बन्ने फिरदा रहा बाद दे विच भी तकलीफ, सत्संग करते रहे पन्ने बन के ही फिर रहे सेक नाले गैस को रख बोल, फिर वो जाड़ जड़ी सी तो पूरी निकली नहीं, वो फिर बाहर आ गई, फिर कढ़ाई इतने लब फिर कुछ ठीक होया। इतने हम से दबल चोपड़ा कुछ डॉक्टर वो तो कटाई सी, फिर तो बैठा कि ना था दुनिया नहीं है, नहीं है इनको पुराने प्रेम मिला ना तो नहीं सी लेंदे। दूजे पास मदद की कहना अस उस वे जानते थे अगर एक पास 10 आदमी एक पास कले ही आए चक देना है। हाँ चलो उ मेहर सी हिम्मत करे हिम्मत मरदा मरद खुदा, जिन्ना जान चो कढ़ गए जिन्ना प्यारी करनी उन्हें खराब, प्यार नाल सारी दुनिया जान जाने खा गए इन्हों, जिसम का प्यार सबनों खा गया, सब ये बंदोबस्त ये प्यार छे कुछ असल हों, दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा माए दादू जी ने मरना कमी छे ना, बस दे का प्यार खा गया सबनों, सब ये बंदोबस्त ये वास्ते ये होते वास्ते ये हो आत्मा तो फिक्रे किसी नहीं, कैसे भाई आत्मा का फिक्र आया कोई? ये तन का फिक्र सब नूं है, अपना भी तन बाल बच्चे तन कमों में तन मिट्टी मिट्टी चे गुजार, आत्मा का की बने या मन खुश होया या तन, आत्मा का की बने? तन का प्यार छड़े विश्व कर छड़े तो खुश हासिल होंगे, ये टलते ने तन का प्यार, तन का प्यार ही छड़ा है, तन का प्यार छुट्टू तो हासिल करूगा, ये खा गए सारी उम्र, दे प्यारी जीव को जीव प्यारा दे दादू हर रस पाइए जो ऐसा हो सुने, जिम्मे यदा प्यार है इस तरह आत्मा का प्यार होगा तो कल्याण दत्ता है। तन का प्यार सबनों खा गया, ये सुख पालता ये वास्ते गतैले होर सारे बंदोबस्त ये वास्ते ने, उन्हें मालिक से दूर नहीं एक रस्सा नहीं हिलन दिता।
ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਰ ਅਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿਲ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁਸ਼ਿਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਔਰ ਬੇਜ਼ਰੂਰਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਔਰ ਸਮਾਨ ਔਰ ਉਨਕੇ ਖਿਆਲ ਠੋਂਸ ਠੋਂਸ ਕਰ ਭਰੇ ਪੜੇ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਸੌਦਾ ਅਣਵਿਚਾਰੀ ਤਿਪਤ ਨਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਤੀਫੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 25 ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ 25 ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ, ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੇ ਸਾਲੇ 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 ਕੇ ਚਾਚੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੇ ਸਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਏ ਹਾਂ ਬਸ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੀ ਛਰੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋ ਕੀਆ ਹੈ, ਯਦੀ ਮਕਾਨ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਮੈਂ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁਸ਼ਿਆ ਕੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਮੇਂ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਵਸਾਨਾ ਥਾ ਲਾਖੋਂ ਇੱਛਾਏ ਭਰੀ ਪੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾਓ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਝੇ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਊਂ ਔਰ ਸੁੱਖੋਂ ਕੇ ਧਾਮ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲੋਂ ਪਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾ ਤਸਕਾ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ ਯਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇਤਰਾਯਾਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਕੀ ਚਾਹਨਾ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਨਰਮ ਨਰਮ ਸੇਜੋਂ ਪਰ ਨਏ ਨਏ ਢੰਗ ਕੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸੋਂ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਰਸ ਮੰਦਰ ਨਈ ਨਈ ਜਾਇਦਾਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਇਤਨੇ ਰਸੋਂ ਸੇ ਨਾਕ ਤੱਕ ਭਰਾ ਨਿਵਾਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਾਂ ਔਰ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿਗਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਯਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਨ ਲਜਤੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਔਰ ਬਢਨੇ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਸਮਾਨ ਉਚਿਤ ਯਾ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੜਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸਸੇ ਹੰਕਾਰ ਬੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਤਾ, ਯਹ ਲਜਤੇ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਜੀਵ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਫਸਾਨੇ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਣਤੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇੱਛਾਓਂ ਕੇ ਭਗਤ ਤੋ ਕਹਿਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਸੇ ਬਸ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਦੱਸ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਖਿਰ ਛਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਸੰਡੇ ਔਰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਭੇਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਈ। ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਚਟਪਟੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਔਰ ਰਸਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਖਾਤੇ ਖਾਤੇ ਮਨੁਸ਼ਿਆ ਉਨਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਰਸੋਂ ਮੇਂ ਉਲਝ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਪਏ ਹੈ ਰਸਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਆਹ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਹੈ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸੋਂ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਰ ਵ ਜ਼ੁਲਮ ਪਰ ਉਤਰ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਵ ਦਯਾਹੀਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਹਾਰਡ ਮਾਂਸ ਸੇ ਬਣੇ
मनुष्य का गोश्त खाने से भी परहेज नहीं करता। बस आदमी आदमी खाने लग गया। एकदम अगर टेलीविजन चाहे से क्या है आदमी वो कि ना दिल कट के खाना एक बार शखन केड़ा से हाँ रोज की चाहिए आदमी कोई हो गए मतलब हाँ इत तक पहुँच गया ना बस हाँ बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने दसिया मैं उम्मीद के बड़े चिट्ठी आई कि बंद न लैके देग च पा दें तन होंगे उद्दे गर्म पानी पाई जाने ज्यूदे फिर वह मगज कट के खाने फिर इन्होंने मग तेज होंगे बोल देख लो हाल हो गया बस एक बदा चले जाए चलो बोलो भाई किसी तरीके ना हो अपना काम करना थोड़े नौर की गल पुरानी कि बच्चा नहीं होंदा सी उनके लड़का हो सकता जे किसी कुर्बानी दी जाए एक लड़का तो भैन छोटी दोनों ही चक लगे कोई अंदर रख ले उन्होंने शराब पिला के अंदर रखी गए तो पंडित करा खाने की किरा फिर उन्होंने खूज सिटता वो पानी भरन कोई आया से उन्हें देख लिया उन्हें तो मिले ना कि उन्होंने खड़का सुनिया उन्हें गां गल की वो फिर कोई एम एल ए को गल गई फिर उन्हें उपरों डी एस पी लिखा सार ना उ गंगा नगर टैलीफोन किया फिर वो निकल आया क्यों बहुत पुरानी गल है हाँ हाँ देख लो हाँ देख लो हाल बस है हाँ हाल हाँ जी हाँ जी तेनों कड़ा काम कर दें अज तो यह किया खेती का मोटा काम करो नाल चंगा याद रखो फिर सेहत भी बनती है इधर तो गल्लां ना सुनिया गल्लां मार मार के खराब होंगे हाँ जिंदगी ला गए तो हाँ जी किसी भागा टाइम मिलता है उन्होंने तो सामभ नहीं आता क्यों मिले ना वकील गया सी लैन वो किताब ये कितने किए तो कहने भेजी नहीं उत्थे देनी सेठी साहब ने फिर देती चाहे नहीं कितने वो किताब तो फिर पहले क्यों ले ली दे दे सेठी ने फड़ा सेठी कोई है नहीं माल दी हाँ तेरे को है नहीं तो इंतजाम हो जाएगा बस हाँ अच्छा वो रघुवीर को है रघुवीर को है जिंदे को है बस हाँ हाँ जब तक हस्ती नहीं मिटाता तब तक प्यार नहीं छड़ता विशेषता नहीं छड़ता तो नहीं कुछ मिलता नहीं है कौन प्यार छड़े खाना पीना कौन छड़े बस हाँ जी इब्राहिम बादशाह टाइमन फुलन से सेज ते पैंदा हुंदा एक दिन चुवारे ते दो आदमी फिरन छत्ते
पूछे कि तुझ कौन हो? आखिर सारवान इत काश में आया। आखिर साढ़ा ऊंट खोया गया। आखिर ऊंट भी छत्तों से मिले ने, कहने कद फुलों से सही तो भी मालिक मिले। फिर देख लो रोड़ियों के बिस्तरे से पैंता रहे बोल रोड़ा ते खटे क्या मैं इसमें आसमान रख दें तन। हाँ जी पक्खा छड़े चल पर आप बाहर चले गए। जब चलता है लाइट है तो चलती है बस। जब तक बिरतियां अकागर क्या करो जो नहीं एकागर कर सकता है अपनी वृत्तियां कर सकता है अपनी वृत्तियां उसको सुपने जड़ चेतन गठ खोले फिर कुछ मिलता है। कहना जड़ चेतन गठ
खोली फिर मिले कितों क्या सू कोई गल समझ नहीं आती बह जाने ना हाथ पैर सौ जाते हैं फिर कोई समझ पैंती है उस वे हाथ पैर सौ गए ने कम नहीं करते तो तवजो दो कुटो कम कर लग जाने कोई फर्क तो नहीं पे इस तरह सारा शरीर सौ जाए फिर अंदरों कुछ मिलता इन्हू कहते जल चीज गंठ इन्हू कहते जिंदा मरना फिर जब मर्जी आ जाए जब मर्जी चले जाए तो फिर कोई चीज़ मिलती है इतने आवे कुछ जोतं जगदियाँ पे घंटे संघ बजते पे ने जो बाहर नकलें नकल रह गई बाहर नकल ने यह सारे समझाने वास्ते सी गुरुद्वारे च भी घंटे संघ जोत ने मंदिर च भी ने मुसलमान चिराग जलाते हैं दरअसल तो गल आ चीज़ अंदर है ऐसे फकीर ने लिखा माई मेरे मंदिर में जो जगे बिन दीपक बिन बाती घृत के झिलमिल जो जगे इस ज्योति का सगल उजारा देख तिमर भगे वो जो देखनी सी इन्हें बस बनाई तो चलो आपे बनाई आपे मत्था टेकता मुसलमान चिराग उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती छे रुत बारह मास जरत रहे दिन राती सतगुरु मिला जो होए ताई की नज़र में आवे बिन सतगुरु को हो नहीं वाको दर्शावे वो जोत देखनी सी वो जोत देखे फिर एक खालसा बनता है पूर्ण जोत जगह कट में तब खालसा निकल जाने फिर सनातनी मनता है अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जा जीवित हुआ जिंदा मरिया जल चेतन कट खोली फिर सनातनी बनया फिर पाक होता शेष बहुत ख्याल निकल जाने फिर यारिया बनया राम नाम की जोत है फिर नामधारी बन गया यही सच्चा सौदा और के बस उपर उपर सब बन गया बनया कुछ भी नहीं कोर्स किसी ने भी नहीं किया एक कोर्स करना सी फिर सब कुछ बन जाता फिर दूजी निकल जाती है उन्हें सियापे पा छे ने हाँ तुम थोड़े अखबार च है ना दूई कढ़ो अब मूहरे हाँ बस ये दूई कढ़े तां निकलते दूई निकलती इन्हों ने अखबार अज आया वो एक पोएम लिखी सी बस चीज़ तो यह सी बारे बार फिर सारी दुनिया मत्थे टेक लिए बस बनया कि उदों नूं कृष्ण भगवान ने कहा जब उन्हें कहा मेरे अपने परम पद लै चल अगर पहले अभ्यास कर फिर जा सकता तो हूँ मत्थे टेकने रह गए होर कि तस्वीर बगैर अभ्यास वाली तो गल छड़ा थी सब ने फिर की बनूंगा जो बॉडी च कृष्ण कहता है अभ्यास कर बोल बस पुजारियों के कम ने सारे हूँ जगह जगह मंदिर ने और सरसे रस्ते कई बन गए इधर तो बड़े ना थे बठिंडे जाओ गां खड़े ने बस आए खड़े ने कुछ दे के जाओ बस है मसान जी को आए कहें जी फलाना बनाना मंदिर कुछ दौ कहीं चाह पानी पियो पिलाया कहें दसो भाई जो तुम मंदिर बनाया वो थोड़ा मंगने वास्ते भेजा फिर थोनू की दे बोल है चीज़ अंदर है फिर तो बाहर है फिर कितों हाँ जी क्या हुआ वे तो के पढ़ने से न पाया भेद को से न पाया भेद को क्या हुआ वे तो के पढ़ने से न पाया भेद को से न पाया भेद को Oh.
ਵਾਚਿਕ ਗਿਆਨੀ ਮਤ ਦੇਖੇ ਲਕਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਲਿਖੇ ਗਿਆਨ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪਣ ਕਠਨ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਗਿਆਨ ਦਿਸ਼ਾ ਤਬ ਜਾਣੇ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤ ਕੋਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਕੜੀ ਗਲੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਉੱਠੀ ਸੰਕੜੀ ਗਲੀ ਚ ਆਈ ਜਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਲ ਦਸਵੇਂ ਬਾਏ ਪਾਇਰੇ ਮੈਨੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਓ ਜਿਸ ਕੋ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਓ ਜਿਸਕੀ ਚੋਰੀ ਕਵਨ ਹੋਵੇ ਤਨ ਮੈਨੇ ਪਾਇਓ ਖਰਚੂ ਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵਰਸ ਪਾਇਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰ ਸੇ ਲਗਨ ਕਠਿਨ ਹੈ ਭਾਈ ਲਗਨ ਕਠਿਨ ਹੈ ਭਾਈ ਲਗਨ ਲਗੇ ਬਿਨਾ ਕਾਜ ਨ ਸਰਿਓ ਜੀ ਪਰ ਲੈ ਹੋ ਜਾਈ ਗੁਰ ਸੇ ਲਗਨ ਕਠਿਨ ਜੀ
पैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई प्यासे प्राण तड़प दिन राती और नीर नहीं भाई और नीर नहीं भाई गुरु से लगन कठिन ਖੜਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਜੇ 'ਤੇ ਮਸਤ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਫ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਤਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿੱਦੜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈਏ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਬਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਟੱਕ ਦੇ ਟਾਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਦੜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂ ਗਿੱਦੜ ਨੱਠੇ ਗਿੱਦੜੀ 'ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੱਠੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਰ ਲਏ ਹਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਰਾਗਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਮੀਲ 'ਤੇ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਬਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਪੰਜ ਚਰਾਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਹਾਂ जैसे मिर्गा शब्द सुनेही शब्द सुनन को जाई शब्द सुने और प्राण दान दे तन को नहीं डराई तन को नहीं डराई
लिखा जाम बजाना दे बगाना बस्तु बिस्तान दिल कुत्तु मनुष्य बादशाह दिलहीन को जान का कि जाने तक दिन जाना है चाहे सतगुरु दे वाले कर दे चाहे मौत दे तो आप इस ख्याल कर सतगुरु दे वाले करो अच्छी कि मौत दे वक्त इन तो जाना है इन तो जेड़ा कम कर ले बस है हाँ जी तो जाऊ जान नहीं जान जाऊ भी नहीं जान जाऊ कि नहीं हाँ बस चलो बस हाय 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 बस हाँ जी ए प्यार छड़ना बड़ा औखा तन का प्यार सारा खा गया हाँ जी फकीर छड़ाने ने तीन किस्म की कामना ने एक तो माया कट्ठी करने की ऐ लगी पे एक एक विषय वकारन की एक तन का प्यार खूबसूरती इन सारे ने सजाना ये छड़े तो आए ये पकड़ी बैठे ने सारे ये बंधन तोड़े तो अंदर जा सकता है चलो भाई हां हां जी बोल चलो चंगा हां ठीक है रे वाला आ देख ला भाई लंगड़ा के तुरता है सोटी नाल सवेर ने नाल गया चेक क्यों बे ने कम किया ना किड़े गए सी नाल हैं किया ना ते फिर जवान नठते ने तलते ने भाई मानो हाँ हाँ जी गुर से लगन कठिन है भाई लगन कठिन है भाई लगन लगे बिना काज न सरे हो जी पर ले हो जाई गुर से लगन कठिन है भाई कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी टट्टी बंद करती थी मैसेंजर बाहर जानी इतने मनाती इत करके कड़े च पा दो फिर उनका तो सटाया करूँगा कड़ा हूँ ये भी थके इन्होंने ये दुख मनन तो उधर करा कि जो उधर मसाज डर असं कहते चोरी आप सिट के आते रहे हैं थोड़े बोल जो मसाज पता लग जाओ लड़न मैं तू के चक्की जो उन्होंने कहना वो दुख मनते हैं बोल सिखाला पिया में दुनिया माहौल बनाया है जगह नहीं सी दरख्त नहीं कोई दूर कोई उत्थे कोई उत्थे कोई उत्थे उत्थे पाल के लिया बोल दोपहरे दस आए है हाँ जी बोलो भाई जैसे सती चढ़ी सती ऊपर दिया किरा मन भाई जैसे सती चढ़ी सती ऊपर दिया किरा मन भाई पावक देख डरे नाही पावक देख डरे नाही असत बैठ जित
जल सन मुख आन जुड़े हैं, सुर लेत लड़ाई दो दल सन मुख आन जुड़े हैं, सुर लेत लड़ाई कट कट शीश गिरे धरती पर, कट कट शीश गिरे फैक्ट्री वाले ने। चलो जा, हाँ क्या लड़ते ने फिर पीछे हटते ने, बस ये मन भी लड़ना पैदा है। क्या जवाहर पई होनी ना उस जगह बना के लुक जाने फिर भी लग लेने टट्टी दबाने नामा सी ना, टट्टी दबाने जावे रोटी एक वक्त की सी, टट्टी दबाने जावे उसे हरे छोले खा के आज भी फिर टट्टी दस्त लगे ने, फिर मैं जाके पाल लिया छोले खाना